अमिताभ के करेक्टर को आप किस तरह से देखा आपने? रियल लाइफ की तरह उसको पोर्ट्रे करना, ये मिस्टर बच्चन की खासियत रही है इन ऑल हिज वर्क। सुजॉय घोष की ये फिल्म है, कहानी के एंड में एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट होता है जी। तो वो ट्विस्ट के लिए वेट करें। द स्टोरी इज रियली द स्टार इन दिस फिल्म। इसमें एक फैमिली अफेक्टेड है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बदला मूवी पर, अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टारर बदला मूवी, जो कि स्पेनिश मूवी जो कि 2016 में आई थी, द इनविजिबल गेस्ट का एडेप्टेशन है। कैसी है ये मूवी, कैसी है इसकी स्टोरी लाइन, कैसे हैं डायलॉग्स और किस तरह से ये दर्शकों को बांधे रखती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिल्म समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार मंजुला शिरोडकर जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मंजुला जी। अगर हम बात करें बदला मूवी की जो हाल ही में रिलीज़ हुई है जी, क्या जिस तरह से हमने तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन को पिंक में देखा था एक दमदार भूमिका निभाते हुए, क्या वही दोहराई जा रही है इस मूवी में, क्या वही कमाल दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल कमाल दिख रहा है, और इसमें थोड़ी और इंटेंसिटी इसलिए है क्योंकि फोकस सिर्फ इन दो कैरेक्टर्स पे ही है जी। सो अबाउट मैं कहूँगी करीब 80% फिल्म इन दोनों पे फिल्म आई गई है जी। तो जो फोकस है वो हमारा कहीं भी और दूसरे कैरेक्टर्स में बिल्कुल नहीं बटता है जी। तो उनकी बहुत बढ़िया केमिस्ट्री है एक तरह से कहा जाए तो, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दमदार भूमिका दोनों ही। अमिताभ बच्चन तो सदी के महानायक हैं, पूरी जिस तरह से स्टोरी इन्वॉल्व होती है उसमें अमिताभ के करेक्टर को आप किस तरह से देखा आपने, किस तरह के डायलॉग्स डिलीवरी में और पूरा कैरेक्टराइजेशन जो था वो कैसा था? इसमें देखिए सुजॉय घोष की ये फिल्म है और ये उनकी थर्ड थ्रिलर है जी। पहले वो कहानी बना चुके हैं कहानी टू और नाउ दिस फिल्म। तो इसमें सुजॉय की ये स्ट्रेंथ है कि वो कैरेक्टराइजेशन बहुत बढ़िया करते हैं, अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से इवॉल्व करते हैं, उनमें बहुत डेप्थ ले आते हैं। अब उस कैरेक्टराइजेशन को हकीकत में और स्क्रीन पे बिल्कुल रियल लाइफ की तरह उसको पोर्ट्रे करना, ये मिस्टर बच्चन की खासियत रही है इन ऑल हिज वर्क। तो इसमें भी उनकी जो परफॉर्मेंस है जी, बावजूद इसके कि वो एक लिमिटेड स्पेस में परफॉर्म करना है, इट्स जस्ट इन अ सिंगल रूम वेयर मैक्सिमम इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो उसमें भी उनका जो एम्फेसिस है जी, बॉडी लैंग्वेज है, खा वो डायलॉग्स हैं या जिस तरह से वो तापसी के साथ पेश आते हैं जी, वो अपने आप में एक बहुत रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। तो किस तरह से इसमें स्टोरी काफ़ी दमदार मानी जा रही है, क्या वही दर्शकों को पूरी फिल्म के दौरान बांधे रखती है? स्टोरी में डेफिनेटली स्टोरी स्ट्रेंथ है इस फिल्म की, उसका एसेंस जो है वो थ्रिलर होने के बावजूद, थ्रिलर में अमूमन ये देखा गया है कि उसमें एक फ़िज़िकल एक्शन की ज़रूरत होती है, तो इसमें फ़िज़िकल एक्शन मिनिमल है जी। जो एक्शन है वो मेंटल एक्शन है जी। जो स्टोरी के एक सर्टेन इंसिडेंट है, एंड मैं थोड़ा सा इसके बारे में सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगी, और वो सबको थ्रू ट्रेलर्स मालूम है कि इट्स अ मर्डर मिस्ट्री जी। बट एक मर्डर मिस्ट्री है वो कैसे अनफोल्ड होती है, उसकी कितनी लेयर्स हैं, वो लेयर्स को किस तरह से रिवील करा गया है, इसका जो ट्रीटमेंट है जी। तो स्टोरी लाइन को सपोर्ट करते हुए उसका ट्रीटमेंट है। तो स्टोरी इज रियली द स्टार इन दिस फिल्म जी। डेफिनेटली स्टोरी अपने आप में एक किरदार निभाती है, और उस स्टोरी में कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जी, वो सुजॉय ने बहुत बढ़िया अडेप्ट किया है फ्रॉम द इनविजिबल गेस्ट जी। जिस तरह से इसमें लीड रोल में नज़र आ रहे हैं अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू जी, तापसी पन्नू की जो एक्टिंग है उसको आप इस फिल्म में कैसे देख रही हैं? मैं ये कहूँगी शी हैज़ मैच्योर्ड एज एन एक्टर जी। वो बेबी में पहली बार देखी गई थी, मेरी जानकारी हिंदी फिल्म्स के अनुसार वो बेबी में पहली बार आई, और वहाँ से अब तक उन्होंने जो भी फिल्म्स करी हैं जी, नाम शबाना में भी हैं और वो पिंक में भी उनको सराहा गया है, तापसी इज़ अ परफेक्ट फॉयल फॉर अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ लीड्स बिकॉज ऑफ हिज वॉइस, बिकॉज ऑफ द थ्रो ऑफ हिज डायलॉग, बिकॉज ऑफ द कमांड ही हैज़ and the presence he has,
बट तापसी नेसेसरिली एज एन एक्टर एंड एज द कैरेक्टर जो उनका किरदार है इसमें, वो थोड़ा सा बैक सीट लेना उसका ज़रूरी है, बिकॉज अमिताभ ऑलमोस्ट इंटेरोगेट्स हर एज हर लॉयर कि मुझे अगर तुम्हारे को तुम सस्पेक्ट हो और तुम्हें बचाना है तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा जी। और तापसी अपने लेवल पे, क्योंकि वो पहली बार अमिताभ एज अ लॉयर से वो इंटरेक्ट कर रही हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उनको इमिजिएटली ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं, तो उनको एक फॉयल बन के एक उनका सपोर्ट एंड येट एज अ कंपेनियन इन यू नो इन द फिल्म, वो जो इंटरेक्शन है, इंटरप्ले ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स, वो बहुत इंटरेस्टिंग है जी। सो शी इज़ वेरी गुड इन हर रोल, वेरी स्ट्रॉन्ग। और ऐसा क्या क्या है जो फिल्म में दर्शकों को लगातार बांधे रखता है पूरी फिल्म के दौरान? अब वो तो स्टोरी रिवील हो जाएगी तो वो मैं करना नहीं चाहूँगी, पर ये है कि आप इस फिल्म में डेफिनेटली आपको मेंटली बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा जी। अगर आप इस फिल्म को, क्योंकि ये फिल्म अगर आप देखने, इट्स अ फिल्म विच हैज़ माइंड गेम्स जी। बोथ द कैरेक्टर्स आर टेस्टिंग ईच अदर जी ऑल द टाइम। डायलॉग्स डिलीवरी है या डायलॉग्स जो लिखे गए सुजॉय घोष ने खुद लिखे हैं, डायरेक्शन उनका है जी। तो आप इसको अगर डायलॉग्स के तौर पर अगर इस मूवी को आंका जाए तो कितना रेट देगी? डायलॉग्स कितने दमदार दिखे इस मूवी में? डायलॉग्स बहुत बढ़िया हैं, पर डायलॉग्स स्टोरी को ही सपोर्ट कर रहे हैं जी। आप स्टोरी को एज एसेंस लीजिए जी, डायलॉग्स पे इतनी तवज्जो न दें, क्योंकि वो डायलॉग जितनी देर में आता है उतनी देर में निकल जाता है, बिकॉज देर आर इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड फिल्म जी। इट्स ओनली 2 hours लॉन्ग एंड इट्स रियली फास्ट पेस्ड। कहने को वो सिर्फ कन्फाइंड है उस रूम में, बट जो भी एक्शन वो डिस्कस कर रहे हैं वो आउटसाइड द रूम हो रहा है, तो उसको थोड़ा थोड़ा बिट्स में दिखाया गया जी। एंड एज ऑडियंस यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट रूम जी। आप उस रूम में आप उन दोनों को देख रहे हैं और इस उम्मीद से कि इन दोनों में से कौन विनर होगा जी। तो जिस तरह से मूवी के बारे में, मूवी का टाइटल है बदला जी, वाकई कोई बदला लिया जा रहा है? अरे ये सवाल तो ना करें कौन किससे बदला ले रहा है तो ये तो आखिर में ही मालूम पड़ता है जी। तो काफ़ी तो जी, बहुत इंट्रीगिंग फिल्म है, अच्छी फिल्म है, ज़रूर देखनी चाहिए, ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है, सुजॉय घोष की फिल्म है। और सुजॉय इसमें स्पेशलाइज करते हैं कि कहानी के एंड में एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट होता है जी, तो वो ट्विस्ट के लिए वेट करें, वो आता है बहुत बढ़िया, बहुत एंड में, मतलब देयर इज अ ब्यूटीफुल सीन इन द एंड, सो यू शुड वेट फॉर इट। सो इट्स अ मूवी वर्थ वॉचिंग, डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया मंजुला शिरोडकर जी, फिल्म समीक्षक, हमसे चर्चा करने के लिए। और बदला फिल्म में क्यों देखने जाएं, क्या क्या उसकी खासियत हैं और क्या एक बार फिर से वो कमाल हमें पर्दे पर दिख रहा है जो कि पिंक में अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू का हमने देखा था। पिंक में मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पे, पिंक में जो उनका मोनोलॉग है अमिताभ बच्चन का जी, एज अ लॉयर इन द कोर्ट रूम, यहाँ पे कोई ऐसा मोनोलॉग नहीं है जी। तो आप ये जो डायलॉग की बात कर रही हैं और हम थोड़ा सा जो उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं जी, इस तरह का कोई ऐसा पावरफुल डायलॉग थ्रू आउट द फिल्म नहीं है जी, बिकॉज इसमें उस तरह की डिमांड नहीं है, स्टोरी डिमांड नहीं करती कि आप उस तरह का एक डायलॉग के सिचुएशन क्रिएट कर रहा था या ये ट्रेलर जी, है जी। तो इसमें एक फैमिली अफेक्टेड है जी, एक लड़की अफेक्टेड है, वो इसको अपने आप में, उसकी अपनी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें, तो वो कैसे अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है जी, और क्या वो एक्चुअली इन्वॉल्व भी है वो भी हमें नहीं मालूम है। तो जो इसका पूरा जो स्टोरी है आप उसको एक टोटैलिटी में देखें, उसको उसमें से उसके डायलॉग्स ना निकाल के या उसकी सिर्फ सिनेमाटोग्राफी ना निकाल के देखें। एंड इट्स बीन शॉट ब्यूटिफुली इन फॉरेन लोकेशंस, स्कॉटलैंड वगैरह में, वेल्स में इसकी शूटिंग हुई है। अभी मुखोपाध्याय ने बहुत बढ़िया काम किया है, वो इससे पहले पिंक के भी और अक्टूबर के भी सिनेमाटोग्राफर रह चुके हैं। ही डज अ ग्रेट जॉब इन होल्डिंग द कैमरा स्टिल और
सिनेमाटोग्राफी की ये स्ट्रेंथ है कि अगर आप कैमरा को नोटिस ही ना करें, उन एंगल्स को नोटिस ही ना करें, तो वो कैमरामैन की अचीवमेंट है। और थ्रिलर में अक्सर एडिटिंग माना जाता है सर्वोपरि, पर यहाँ ये कैमरा की स्ट्रेंथ है सिनेमाटोग्राफी की, वो आपको इन्वॉल्व रखते हैं। ऑफकोर्स एडिटिंग इज़ वेरी सीमलेस, बट आई वुड गिव अ लॉट ऑफ मार्क्स टू अभी ऑल्सो फॉर दिस, फॉर मेंटेनिंग दैट टेम्पो। जी, तो फिल्म अपने आप में बहुत दमदार है, चाहे कैमरा वर्क की बात करें, चाहे स्टोरी की बात करें, डायलॉग की बात करें, और महानायक तो हैं ही इसमें अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू, तो इनका कमाल सिनेमा पे देखने के लिए ज़रूर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजुला शिरोडकर जी हमसे बात करने के लिए और बदला फिल्म का रिव्यू हमें देने के लिए। माई प्लेजर, थैंक यू।